हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस वर्कशीट 3 फॉर क्लास 7। इससे पहले मैंने फ्रैक्शन की वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 कराई है और फ्रैक्शन का चैप्टर इंट्रोडक्शन भी कराया है। जिन्होंने नहीं देखा है फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन चैप्टर तो प्लीज़ जाके वो देख ले ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 + 2/3। ओके तो क्या करना है, ये पॉजिटिव में तो हमें ऐड करना है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे जो आ जाएगा 6। ठीक है तो हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे, 6। अब क्या करेंगे, 6 / 2 से तो आएगा 3 और वही 3 ऊपर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 × 1 = 3। ओके फिर साइन किसका है, पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पे 6 / 3 से आएगा क्वेश्चन 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 जो हो जाएगा 4। ठीक है अब जस्ट ऐड कर देंगे 3 + 4 = 7/6। देखिए नीचे न्यूमरेटर छोटा है तो शायद ये और मल्टीप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, 6 × 7 = 6। ठीक है तो आंसर आ जाएगा 1/6। देखिए डिनोमिनेटर जो रहता है वो सेम ही रहता है और ये क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर रहता है, बस हमेशा जो डिनोमिनेटर रहता है नीचे रहता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। इस तरह से आप कर लेंगे अगर जिन्हें नहीं आता लिखना। ठीक है अभी क्वेश्चन नंबर 2 है 3/5 - 1/10। तो ये सब्ट्रैक्शन है, सिंपल ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे 5 × 10 का जो हो जाएगा 10। ठीक है देखिए 10 / 5 से तो आएगा 2 और 2 = 6। माइनस का सर नीचे सेम डिनोमिनेटर है, कुछ नहीं होगा, जो ऊपर का वैल्यू वही रखी जाएगी। ठीक है 6 - 1 क्या हो गया, 5/10। देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/3 + 2/4। तो 3 × 3 से सॉल्व करेंगे, 3 × 3 + 1 तो क्या हो जाएगा, 4/3 + 2 × 4 = 8 + 1 = 9/4। ठीक है अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 × 3 = 12। ये 12 से डिवाइड होगा 3 से तो आएगा 4 × 4 = क्या हो जाएगा, 16। ओके 12 × 4 से डिवाइड होगा आएगा 3 × 3 = 27। ठीक है अब देखिए 7 ऐड करें, 7 × 6 = 13 × 3 = 1 2 1 & 1 = 43/12। ठीक है नीचे न्यूमरेटर स्मॉल है, देखिए डिनोमिनेटर सॉरी, तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 12 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 30, 12 × 4 = 48, तो 3 से जाएगा, 12 × 3 = 36। तो कह रहे जो ये हो जाएगा 13 में 6 जाएंगे, बचेंगे 7। रिमाइंडर कहाँ था, ऊपर, और डिनोमिनेटर 12 है ये यहीं रहेगा, तो बचा क्या 3 क्वेश्चन, तो 3/7/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 + 5/6 - 1/12। तो क्या एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो बोटमोस के रूल के हिसाब से हमें पहले क्या करना चाहिए, जो तो करना चाहिए लेकिन सबका एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है हम क्या करेंगे, 4, 6, 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम सॉरी 4, 6 & 12 का एलसीएम लिया, बहुत सिंपल है। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो आंसर आ गया 12। ठीक है 12 × 4 से डिवाइड होगा तो आएगा 4 × 3 = 12, तो 3 × 1 = 3। ठीक है प्लस यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा तो आएगा 2, 2 × 5 = 10 और नीचे 12 है सेम है तो ऊपर सेम ही रहेगी आइडेंटिटी। ठीक है अब क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, ये 3 + 10 = 13 हो जाएगा -1/12, तो क्या हो जाएगा 12/12 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, तो 1 1 तो आंसर आ जाएगा 1 इसका, 12 × 1 = 12, 1/1 तो 1 आंसर आ गया। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, जस्ट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो देखिए 3/4 × 6, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देखेंगे हम 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6।
ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर छोटा है तो 2 और 9 2 4 8 1, तो देखिए रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 रिमाइंडर ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर 2 है, क्वेश्चन बचा 4, तो 4 होल नंबर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9/12 × 4/7 है, तो इसको सिंपल से कट करेंगे तो 2 2 4 2 6 12 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9, तो 3/7 यहाँ पे आंसर आ रहा है 3/7। ठीक है, नेक्स्ट है 45 × 2/2 होल नंबर 1/3, 45 × 2 3 2 6 + 1 तो 7/3 हो गया। अब क्या होगा 3 1 3 3 1 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 तो ये हो गया। ठीक है, तो हो गया 15 × 7 तो 15 7 105 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, नेक्स्ट को सॉल्व करें वही डिवीजन में। डिवीजन में क्या होता है 2/1 ले लिया 2 को, और जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो ये रह हो गया रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो क्या होगा 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट 2 from 2/3, फ्रॉम किससे 2/3 से। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम 2/3 पहले लिखेंगे क्योंकि 2/3 सब्ट्रैक्ट करें फिर -2 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 2 को हम अपॉन 1 में लिख सकते हैं, हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि एलसीएम आएगा 3 1 और 3 का, तो नीचे 3 3 सेम है तो ऊपर 2 ही रहेगा, 3 को 1 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 2 का क्या हो जाएगा 6, देखिए ऐसे हो गए। तो माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 3, तो ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 3 1 3 आए 1, रिमाइंडर कहाँ आएगा ऊपर 1 आया, नीचे डिनोमिनेटर 3 है। ठीक है, तो बचा क्या 1 होल नंबर 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है -2/5 from 2/5, फ्रॉम किससे इससे, तो फ्रॉम वाला कैसे लिखेंगे, पहले 2/5 -2/5 इतना हो गया। देखिए 2/5 हम ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2/5, देखिए डिनोमेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, डिनोमेटर सेम ही रहेगा, 2 + 2 = 2 हो जाएगा 4/5, यही इसका हो जाएगा आंसर, सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 है 0 from -4/5, -4/5 लिखे -0 लिखे, देखिए सिंपल सा है, किसी भी चीज़ में 0 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये -4/5 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये समझ लिया है, ओके क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2/9 from 4/5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/5 फ्रॉम है ना तो -2/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें एलसीएम 5 और 9 का, विच विल भी हो जाएगा 45। ठीक है, 5 से डिवाइड करें 45 में आएगा 9, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा 45 तो आएगा 5, और 5 2 जा हो जाएगा 10 -10। ठीक है, 36 -10 26/45, देखिए कोई 6 और 5 दोनों ऑड नंबर्स हैं और ये किसी भी टेबल्स में नहीं आएंगे तो कट नहीं होंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए समटाइम्स आपको केजी आर या मीटर्स या समथिंग एल्स यूनिट दी होंगी तो आप बहुत कुछ ना टेंशन ना लेंगे, आप यूनिट को भूल जाएंगे। 1/2 ऑफ को कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में बस 10 kg लिखिए आप बिल्कुल आराम से। ठीक है, आप बस यूनिट को मत ध्यान दें, आप कट के 2 1 2 2 5 10 तो 5 1 5 तो बचा क्या 5 kg का आंसर, यूनिट लगाना ना बोले यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में हो जाते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है 3/5 of 1 hour, देखिए 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, 1 hour को 1 लिखेंगे तो सॉल्व होकर 3/5 होगा, तो इसे क्लियर नहीं होगा। अगर हम 60 मिनट्स लिख दें 1 hour को तो आंसर भी मिनट में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो 5 1 5
5 1 5 और 5 2 10, ठीक है, और 12 3 36, तो हो जाएगा 36 मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब हमने चेंज करा तो यूनिट भी चेंज होगी ना। चलिए नेक्स्ट है, 3 होल नंबर 1/2 टाइम्स ऑफ 2 मीटर। तो सबसे पहले हम चेंज करें, 2 3 6 प्लस 1 7/2 टाइम्स ऑफ लगाया तो मल्टीप्लिकेशन, और 2 क्या है, मीटर है, ठीक है। देखिए 2 1 2 2 1 2 तो बचा 7 मीटर, सॉरी आंसर बहुत ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस टू अ सिंपल फ्रैक्शन। देखिए सिंप्लीफाई करना है और रिड्यूस भी करना है इन सिंपल फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3/3 होल नंबर 3/4। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 12 3 हो जाएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा 15/4। देखिए ये 3/15 ऐसे लिखेंगे, जो उसके नीचे डिनोमिनेटर है ये 15, और जो 4 होगा वो ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 1 3 और 3 5 15 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है। देखिए जब भी ये जो लाइन है इसके नीचे जो भी नंबर होगा वही डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो उसके नंबर होगा तो उसके ऊपर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में लगता है टफ लेकिन होता नहीं है। देखिए ये 2 होल नंबर 1/5 है बाय 1 होल नंबर 1/10। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे मिक्स से नॉर्मल में, 5 2 10 प्लस 1, तो ये हो गया ऐसे लिखिए 11/5, ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। 10 1 10 प्लस 1 11/10, ठीक है। अब वो 3 वाला थे, यहाँ पे 4 नंबर से, तो 1 11/5 जो मैंने बताया था नंबर के साथ आता, तो वो इसके साथ आ जाता है, तो 5 × 11 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10, ये जो 10 है वो सबसे ऊपर चले 11 के साथ 10, जब ये इसके साथ आएगा तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ आ जाएगा। इसी तरह ये इसके साथ था तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ चला गया, क्योंकि कुछ नहीं था भाई, तो ये क्या होगा, जो बार के नीचे होगा यहाँ ऑब्लिक के नीचे वो इसी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये भी क्या था, इसके नीचे था ये, इसलिए ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए 11 1 11 11 1 11 5 1 5 5 2 10, तो आंसर इसका क्या आ गया, 2, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत सिंपल है, 2/5 ऑफ 6/11 इंटू 1 होल नंबर 1/4। तो 2/5 को हम 2/5 लिख देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 6/11 लिख लेंगे, इंटू 4 1 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है, कितना हो गया, चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखें क्या क्या कर, 5 से 5 हो जाएगा, 2 से 2 2 4 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर क्या है, 3 और नीचे 11, और कुछ नहीं बचा है, तो इसका आंसर होगा 3/11, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 4 2 8। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 होल नंबर 1/4 है, डिवाइड का साइन है 1/7 इंटू 1/3, तो हम क्या करें, 4 2 8 प्लस 1 हो जाएगा 9/4, डिवाइड का साइन अभी लगा रहने देंगे, 1/7 इंटू 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखिए 9/4 है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/1 इंटू 1/3, ठीक है, ये वाला रेसिप्रोकल में हो जाएगा। अब देखिए आप कट कर लें, 3 1 3 3 3 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा, नीचे 4 बचा ऊपर 7, तो 3 7 21/4 हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पे कट करके देख लें, 4 21, तो 4 5 20 होते हैं, 1 आए, तो रिमाइंडर कहाँ आता है, ऊपर, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर 4 है। ये आ गया क्वेश्चन 5, 5 होल नंबर 1/4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते केयर एंड बाय।